अंटार्कटिका। ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता, केवल कुछ वैज्ञानिक और स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च करने आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे विचित्र जीव रहते हैं जिन्होंने यहाँ की दुर्गम परिस्थितियों में भी जीना सीख लिया। तो चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 1, टार्डिग्रेड। इस जीव को प्रकृति का सबसे मजबूत जीव माना जाता है, जिसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये लगभग 1 मिलीमीटर बड़े और ज़्यादातर पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको विश्व में लगभग हर जगह मिल जाएंगे। वैज्ञानिकों ने टार्डिग्रेड्स को अलग अलग परिस्थितियों में रख के देखा। वैज्ञानिकों ने इन्हें -272 डिग्री सेल्सियस में 20 महीने तक रखा, फिर 150 डिग्री सेल्सियस के अंदर 4000 किलो पास्कल के दबाव में, फिर विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों के अंदर। इसके बाद भी ये जीव मरे नहीं। 2007 में US स्पेस कार एंडेवियर में स्पेस में भी भेजा, जहां पर इन्हें अंतरिक्ष में बाहर छोड़ दिया गया। आपको शायद पता होगा कि अंतरिक्ष में बहुत ही घातक रेडिएशन मौजूद होता है, लेकिन वो रेडिएशन भी टार्डिग्रेड्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नंबर 2, एलिफेंट सील। ये सील दुनिया की सबसे बड़ी मांसाहारी जीव है। इसका वजन 5000 किलो के आसपास पहुंच जाता है। ये सील अपना 80% जीवन समुद्र के पास रहकर बिताती है। इस सील में बहुत सारा खून होता है, जिस वजह से पानी के अंदर अपनी सांस 100 मिनट तक रोक पाती है। ये समुद्र में सामान्यतः 1500 मीटर गहराई तक चली जाती है। इनके द्वारा जो दूध उत्पन्न होता है, इसमें 50% तक फैट मौजूद होता है, जबकि इंसानों और गायों में 4% के आसपास फैट मौजूद होता है। नंबर 3, सी स्पाइडर्स। आप सबने अपने घरों में स्पाइडर्स तो देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा स्पाइडर है जो समुद्र के अंदर भी रहता है। लेकिन ये स्पाइडर लगभग 20 इंच तक बड़े हो जाते हैं। इनके ज्यादातर ऑर्गन्स इनकी टांगों के ही अंदर होते हैं। ये खाने में जेलीफिश, सी स्पॉन्ज और सी वॉर्म्स जैसे जीव लेते हैं। ये अपने शिकार के अंदर मौजूद जूस को अपनी सूंड से पी जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये जानवर अचानक आपके सामने आ जाए, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सी स्पाइडर्स ज्यादातर समुद्र की गहराई में ही रहते हैं। नंबर 4, हॉफ क्रैब। इस क्रैब की खास बात यह है, इसका नामकरण मशहूर एक्टर डेविड हेसलहॉफ के नाम पर हुआ है, क्योंकि इसके चेस्ट पर भी अजीब तरीके के बाल हैं। ये ज्यादातर पानी के अंदर मौजूद थर्मल वेंट्स के पास रहते हैं, जहां का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये थर्मल वेंट्स पृथ्वी के अंदर मौजूद वॉल्केनोस से बने होते हैं। ये क्रैब इनके पास लिए रहता है, क्योंकि गर्मी होने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो कि हॉफ क्रैब के बालों से चिपक जाते हैं और बाद में ये उन्हें खा जाता है। नंबर 5, कोलोसल स्किड। ये दुनिया का सबसे लंबा अक्षरुकी है। अक्षरुकी से मेरा मतलब ये है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं मौजूद होती है। ये लगभग 46 फीट तक लंबा और 700 केजी तक भारी हो जाता है। इस जीव की आंखें पृथ्वी पर मौजूद हर जीव से बड़ी होती हैं, जिनका डायमीटर 16 इंच तक बड़ा होता है, जो कि समुद्र के अंधेरे में शिकार करने के लिए काम में आती हैं। ये अपने शिकार को अपने टेंटिकल्स में लगे नुकीले हुक से आसानी से मार डालता है। That's all for this video. Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss a video.